हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अवर टूडेज टॉपिक इज कैंसर। आज हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर जो है सबसे ज़्यादा भयानक बीमारी है बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर। एंड आज अर्थ के ऊपर जितने भी पेशेंट होते हैं कैंसर के, वो सब जो हैं उसमें से मतलब मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि कैंसर से परेशान हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। बट उनमें से मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं, लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम एनुअली, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो एनुअली उनकी डेथ हो जाती है। तो एक डेथ कॉजिंग प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु के घाट उतार देती है, तो इस तरह की एक बीमारी है। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। आज भी मेडिसिन बायोलॉजी मेडिकल साइंस के अंदर इसको रिकवर करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेथड्स बन रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बन रही हैं। हमारी बॉडी के अंदर देखो बेटा, जो सेल्स हैं ना उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होती है, ठीक है, और रेगुलेटेड रहती है। जैसे जो हमारी बॉडी है ना, नॉर्मल सेल है, हमारी जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी शो करती हैं। देखो जैसे मान लो आप लैब के अंदर किसी की सेल लेके गए, ठीक है, और आपने उसको बीकर में रखा और उसके अंदर आपने न्यूट्रिशनल मीडियम डाला। अब जैसे देखो, जो ये वाली सेल है ग्रोथ करेगी, एक के साथ दूसरी सेल्स इस तरह से कॉन्टैक्ट में आएंगी, ठीक है। जब ये सारी सेल्स कॉन्टैक्ट में आकर इस तरह से बन जाएंगी ना, तब ये सेल्स और ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होंगी, क्योंकि अभी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद ये और ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होती, इसके बाद यहाँ पे ऐसे इसका क्लस्टर नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करेगी, नीचे की तरफ ग्रोथ नहीं करेगी, रेगुलेटेड ग्रोथ शो करेगी, ठीक है। लेकिन जो कैंसरस सेल हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। मान लो एक सेल लेके आए आप कैंसर की, ठीक है, उसको आपने न्यूट्रिशनल मीडियम में रखा, तो ये क्या करेंगी, एक के बाद एक के बाद एक ग्रो करती जाएंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ फिर ग्रो करेंगी, फिर उससे ऊपर ग्रो करेंगी, फिर अनरेगुलेटेड मैनर में ग्रो करेंगी, कहीं पे भी ग्रोथ करती जाएंगी और क्लस्टर बना देंगी। दिस इज कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करती हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाई वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, लेकिन कैंसर सेल ये प्रॉपर्टी खो देती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइडिंग गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। इसीलिए कैंसर सेल जो ट्यूमर बनाती है। अब ट्यूमर बेटा दो टाइप का होता है, एक तो बिनाइन ट्यूमर होगा, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। बिनाइन ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। बिनाइन ट्यूमर मान लो आपके गले के ऊपर, एक गर्दन के ऊपर एक मोल हो गया, एक मस्सा हो गया, तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहेगा, उसकी जो सेल्स हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगी, ठीक है। दे डो नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्योज लिटल डैमेज, वो बिल्कुल लिटल डैमेज करेंगी। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसकी जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी प्रोलीफरेट करती हैं, और इसको हम कहते हैं नियोप्लास्टिक। नियोप्लाज्म या नियोप्लास्टिक क्या होता है, जब सेल्स जो होती हैं बहुत जल्दी प्रोलीफरेट करती हैं और ट्यूमर बना देती हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं, इन्वेड करती हैं, इन्वेड मतलब आसपास के टिश्यूज के ऊपर हमला कर देती हैं। मान लो इधर आपके ट्यूमर हो गया है तो आसपास की सारी सेल्स में ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, एज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे ऑब्जर्व दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल्स को भूखा मार देती है। मान लो ये कैंसर सेल यहाँ पे ग्रोथ करनी स्टार्ट होगी ना, तो आसपास की जो ये वाली सेल होती है ना, ये बिल्कुल स्टार्व हो जाएंगी, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये डेड हो जाएंंगी, ठीक है। इसके बाद है सेल्स लोथ फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड एंड वेदर वेयर एवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं और फिर वहाँ पे ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देती हैं। किसके थ्रू जानती हैं, ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ्स के थ्रू, ठीक है। इज मोस्टली फीयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये सबसे फीयर्ड प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, ठीक है। फिर है कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के बहुत सारे कॉजेज हैं बेटा, कैंसर के कॉजेज को जो एजेंट्स कैंसर फैलाते हैं उसको दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस जो कि कैंसर फैलाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कार्सिनोजन
नियोप्लास्टिक सेल्स में बी इंक्लूडेड बाय फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट. कोई भी एजेंट हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है जो कि कैंसर क्योज करेगा. जो चीज़ कैंसर क्योज करती है, जो एजेंट कैंसर क्योज करेगा, उसको हम कार्सिनोजन कहेंगे. ठीक है. उसके बाद है कि कार्सिनोजन्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर आते हैं, फिजिकल, केमिकल्स. ठीक है. और फिर उसके बाद आता है कि कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. ये टॉपिक हम कल करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय.